मोटा आके मजा ज्यादा उसमें डूब मची जाओ ठंडा पानी है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग भाई, आ चुके हैं। बाहर का नजारा देखो भाई, मतलब उठते हैं भाई साहब ऐसा कुछ नजारा दिख जाए तो मतलब दिन बन जाता है भाई। देख रहे क्या रूम का, तो क्या हालत कर रखी है भाई रूम की तूने भाई। ये इनका रूम सागर भाई, मतलब ये इनके इन लोगों का रूम था, इन तीनों का। एक ही बेड पे तीनों सो रहे थे, तो मेरा बाहर वाला था रूम, हमारा था बिना कपड़े के। तू पड़ा है इतना डरे है ना ये लोग भाई, ये लोग नहीं ये सिर्फ ये भाई। अभी देखो भूत आई तो है सुनने, देख लो पसीना दवाई खा के सो रहे इतना डरा भाई। देखो दवाई दवाई खराब हो गई थी तो ये दवाई खानी पड़ी। मैं समझाता हूँ मैं क्या हुआ था। सुमित वहाँ सो रहा था, मोहित इधर, मैं इधर, तीनों सो रहे थे। मोहित को डराया थोड़ा सा भाई, मेरा ना किसी ने ऐसे पैर पकड़ लिया, पैर। मैंने कहा सागर अंदर आया क्या? कह रहा सागर नहीं आया। मैंने देख भाई कोई बैठा है, मोहित के बटन लगे ठीक है। कह रहा ना आया कोई सागर। मैंने किसी ने भाई मैंने लिटरली पैर पकड़ लिया ऐसे। मोहित सीधे मैं उठा, मैंने कहा शीशे में देखा, देखा मैंने कहा मोहित शीशे में ना कोई दिख रहा है। मैं कहा दिख रहा है? कहा नहीं दिख रहा। मैंने मोहित से कहा आंख मत मिली हूँ। मोहित की बटन लगी, कह रहा ट्रक गिरा है। फिर हमने इसको कंटिन्यू रखा, फिर एकदम सागर आ गया सारा डट 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 सच्ची में पड़ गई रात को, मतलब पूरा हॉरर सीन बन गया था। मतलब मजा आया कुछ, रात को 2 बजे सोए हम, 2 बजे 2:30 बजे के बाद थे, 2:30 चाय वाय बन दिए इधर, कैंप का सामान अंदर ले आए थे। चाय भाई अभी चाय चढ़ा दी है, मैं बनाऊंगा चाय। स्टेशन दे मैं बनाऊंगा, मेरे को भी तो नहीं चाहिए, मुझे वीडियो में आने का शौक है थोड़ा बहुत। एक और डाल दे, एक और उबाल आ जाए उसके बाद भाई साहब क्या खुशबू आती है। देख रहे हो थोड़ा तो हम साथ ले घूमते हैं अपना। ये डाल दिया, चाय बंदा पीता नहीं है पर चाय बना रहा है हमारे लिए। वही सुबह की चाय मिल चुकी है, हमने खुद बनाई है। थैंक यू सुमित, तूने बनाई है क्या? एंड थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मैं अपनी ओए इसमें क्या कर रहा है? अच्छा मुझे खिलाएगा। अरे थैंक यू सो मच ब्रदर, खिला। साला खुद ही खा गया, अपनी चाय ले ले, खिला मेरे भाई, दोबारा खिलाएगा मेरे को ये। आप देख कहाँ घूम रहा है उसका। ओए तू खड़ा होएगा नहीं होएगा? एडिटिंग कर रहा है, एडिटिंग कर रहा हूँ यार, जाना नहीं अपने को, पता कहाँ कहाँ जाना हमें। अभी मतलब मुंह धोया नहीं है, शकल बेकार आ रही होगी, तो बाल भी देखो कैसे हुए पड़े एकदम बेकार, बिल्कुल रात को गई, तबीयत खराब बहुत ज्यादा। साले फ्रेम में आना है तेरे को, फ्रेम में आना है बस। तो भाई रात को तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, मैं जुकाम वुकाम लग गया था, छीके छीके आ रही थी रात को, और भाई पीसीएम खा के सोया। इतनी ठंड में पूरे पसीने में पूरा गीला पड़ा हूं मैं। तो गाइस व्लॉग मेरे देसी भाई निकल रहे हैं बाथरूम में से, तो देखते रहिए ये भाई, इसको बंद कर ले यार। अरे अच्छे लग रहे भाई, ये चेस्ट आ रही है भाई, चेस्ट आ रही है। अरे भाई जिम करके चेस्ट ने पंप नहीं हो रही। तो भाई देख लो हमारे भाई साहब बड़े ब्लॉगर क्या कर रहे हैं, चाय तो पी ली है, अब बर्तन धो रहे हैं। ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है, बाथरूम में लोग नहाते हैं मुंह धोते हैं, ये बर्तन धो रहा है मेडिमिक्स से, इसमें मेडिमिक्स से बर्तन धो रहे हैं हमारे। इसमें एक भी दाग दिखा पैसा काट लेगा मैं। वही फाइनली अब चेकआउट कर रहे हैं, तैयार हो चुके हैं सारे, नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। और इधर भाई है सुमित, इधर है सागर ब्रो। देखो व्यू देखो भाई बाहर से सामने का, ये पीछे हमारी 2 विंडो हैं, ये देखो पहाड़ है सामने कितने प्यारे प्यारे, यहाँ भी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और यहाँ पे ना सारे फॉरेनर्स रहते हैं, गोरे गोरे अंग्रेज, यहाँ पे पूरी रात भर वही घूम रहे थे। ये सब बंदे ही खिड़की पे खड़े थे रात को, बस उन्हीं को देख रहे, सुबह से लेकर सुमित तो वही देख रहा है। जुकाम किसको है? जुकाम कुर्जानी, कुर्जानी इंडियन है ब्रो, इंडियन। चलो भाई बालको, चलो भाई आ जाओ बिस्लैरी वाले, देखो व्लॉग बना रहा है पीछे। 2 दिन के लिए देख रहे हो, सामान लेके चलना पड़ता है। ये देखो कैंपिंग का बैग है पूरा ये। चलो ब्रदर सामान रख लेते हैं अब। वो देखो फॉरनर जा रही है, और बुड्ढी फॉरनर है, छोड़ो। यहाँ पे ना होटल वाले देखो राफ्टिंग भी प्रोवाइड करा, हम नहीं कर रहे अभी, ठंड का टाइम है, राफ्टिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर जब गर्मियों में जून जुलाई में आएंगे राफ्टिंग करने के लिए। और ये अपना होटल था, इसमें रुक सकते हो, एक ही रूम में 2 रूम मिलता है, होटल लक्ष्मी पैलेस, ओनली 2000 रुपीज, वेरी चीप ब्रो, वेरी चीप। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी में सामान चेकआउट कर लिए, 11 बजे का चेकआउट का टाइम होता है। पतली पतली गलियों में से जा रहे हैं हम सब, भाई साहब पहाड़ देखो सामने, भाई साहब ऊपर का आसमान देखो, मोटे की मोटी देखो ये भैया, हैशटैग कैफे रूफटॉप कैफेटेरिया। भाई साहब यहाँ पे हम नीचे उतर रहे हैं, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम जंगल में जा रहा। ये जंगल जा रहा है ब्रो, और आ जाओ ब्लॉगर राजा। मैं देखो फॉरनर जा रहे हैं रोड पर, यहाँ पे सारे फॉरनर्स ही रहते हैं। लेफ्ट हाँ लेफ्ट ही चलेंगे ब्रो, लेफ्ट ही चलेंगे भाई। ये है लक्ष्मण जी का मंदिर, और अब हम जाएंगे लक्ष्मण झूला पे। ये रहा लक्ष्मण झूला की पार्किंग, थोड़ी सी दूर रह गया, आ ही गए लगभग हम।
और ये भाई साहब एडिटिंग करते चल रहे हैं क्योंकि इनका फोन का ना स्पेस फुल हो चुका है। अब ये एडिट करके सारी वीडियो डिलीट करेंगे। यार आपसे ना 256 GB का आईफोन लेके आने वाला, 128 GB का आईफोन मत लेना भाई, भर जाता जब भी खाने के लिए रुके। हाँ क्यों, कोई नहीं रुक रहा, अगले वाले पे रुक रहे क्योंकि यहाँ पे रुके फॉरनर ये साले, लड़कियाँ देख देख के भाग जाते हैं। ओ भाई इतना बड़ा डोसा भाई, इसलिए मैं थोड़ा डोसा है। कितने साइज का है? 2 फुट 3 इंच का। भाई साहब इतना लंबा ले लेगा, खा लेगा। एंड सीट बुक करते, पीछे बैठते हैं। मेन्यू आ गया है एंड अभी हम सोच रहे क्या मंगाना क्या नहीं मंगाना। या अगल बगल देख लेना, अच्छी अच्छी कन्या है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उम्र ऐसी है बच्चों की ना, मैं बच्चों के साथ जो ट्रिप कर रहा हूँ मतलब हाँ इस उम्र में फन कह सकते हो। मैंने बोला ना कि सूरज बिल देगा, वो समझ गई थी, वो हंस रही थी। देख 22 इंच का भाई ये लग चुका है, डोसा अपना तैयार हो रहा है। साथ में क्या दोगे इसके? इसमें मिलेगा आपको सांभर और चटनी। सांभर और चटनी एंड और क्या मंगाए भाई? पराठा, पिराठा मंगाए, पिराठा। ओ भाई साहब 22 इंच का 22 इंच मसाला डोसा। भाई साहब 22 इंच का पराठा 11 इंच का कब बन गया पता ही नहीं चला। चलो भाई भंडारी रेस्टोरेंट से चलते हैं, अब खा लिया है कुछ, अब चलते हैं लक्ष्मण झूला। तो भाई ये है लक्ष्मण झूला, अभी कुछ चल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस और इसको भी बंद किया हुआ है। तो अब हम राम झूला किधर है पता नहीं, अब जाते हैं राम झूला। कितना दूर है भाई यहाँ से राम झूला? 1 किलोमीटर है, चलते हैं फिर। तो भाई चलो फिर, हमारी जिंदगी में स्कैम स्कैम और ऐसे होते रहते हैं। लक्ष्मण झूला तो नहीं, राम झूला जाते हैं। एक जगह ले चलो, एलए लॉस एंजेलिस। पागल है क्या रे, बड़ी मुश्किल से तो ये प्लान बना, लॉस एंजेलिस जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं है सच्ची में, सारे दूर नहीं है साले, वो तो एरोप्लेन से जाना पड़ता है उसमें। तो कहां है? और ये क्या भैया, लंदन भी है इधर, मॉस्को भी है, तिब्बत भी है, सब एक जगह सिर्फ ऋषिकेश में, ऐसा कैसे पॉसिबल ब्रो? प्रेम भाई गुलशन भाई को शॉपिंग करने लगे हैं, मैं भी भाभी के लिए कर रहा हूँ। भाई अभी ये घाट पे आ गया, बोटिंग वगैरह हो रही है और सुमित को नहाना है, इसको गंगा जी में नहाना था, हरिद्वार में इसको नहाया नहीं, अब यहाँ पे नहा के जाएगा। चला गया मोटा आगे, मोटा आगे मजा ज्यादा, मोटा चला गया भाई आगे नहाने के लिए। सुमित डूब मत जाइए, तैरना नहीं आता भाई, हम तेरी स्टोरी लगा देंगे, बह गया। फीलिंग्स वाज सैड, आरआईपी सुमित भाई, मिस यू, वी विल मिस यू। अबे साले, सो गाइस अपने व्लॉग मेरे तरीके से जा रहे हैं, तो जाइए भाई। भाई अगर आप डूब गए तो मेरी गारंटी नहीं, बचाने नहीं आऊंगा मैं, ठीक है? ठंडा पानी है, ओए भाई इधर आ जा, सारा पानी उंडा उधर, मजाक मत कर मोटे, लग जाएगी बता रहा हूं मैं। तो भाई ये वो पत्थर है जो कि बिल्कुल मतलब गंगा जी के अंदर 10,000 सालों से फंसा हुआ था। हमने इसको लेके आए, किसी को चाहिए हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक हमने पर बंदा भेजा था अंदर, देखो अभी तो ढूंढ रहे हैं वो, और भी ढूंढ रहे हैं। हाँ तो ये प्रॉपर मोटे आगे मत जा यार, ओए मम्मी को क्या जवाब देंगे तेरी। अरे बड़े भाई शॉपिंग करके आ चुके हैं, क्या लाए हो अपने लिए? जैकेट लाया हूँ भाई, और ये भाभी जी के लिए बैग, भाभी जी के लिए कितने की पड़ी जैकेट? फ्री की, अंदाजा बताओ। ये भाई क्वालिटी देख के बता देता हूँ मैं, कम से कम ये होने वाली है 2K+, 2 से 2 के आसपास। और बैग, बैग में भी होगा 400-500। आप बताओ चीजें हैं भाई, 1,050 रुपए, 800 रुपए की ये है और 250 रुपए का ये है। 800 रुपए जैकेट तो अच्छी है यार। तो भैया भी स्ट्रिंग ले ली है, बाकी सारे बंदे कार में पहुंच गए, अब हम गुड़गांव की तरफ निकलेंगे। यहाँ पे गायों की सेवा फॉरनर्स के द्वारा भी की जा रही है। भोले बाबा की नगरी में भोले बाबा जा रहे हैं, ऐसे बंदे मेरे साथ मेरे जा रहे हैं, किसी के हाथ में गंगा जल है, किसी के हाथ में कपड़ों की थैली, और गंगा को करे जो गंदा वो दुनिया बहुत ही मेली। ये लड़के हैं गंदे, ऐसे करते हरकते, छेड़छाड़ी करते हैं रोडों पर, ऐसे मिलते लड़के आजकल जैसे भैंस जोड़ों पर। भोले बाबा शंकर, अपने पास लाइट गहरे संधु भी आ गए हैं ये, और पीछे अपने भाई लोग सारे, और अपन निकल चुके हैं गुड़गांव वाले। तो भाई निकल चुके हैं, किलोमीटर दिखा रहा है 271, घंटे दिखा रहा है 5, और पहुंचेंगे हम शाम को 5 बजे। जमाने की परवाने पड़ जा तू मस्तान।
तो भाई एक और टोल आ गया है, पिछला टोल हमने फ्री करा लिया था, भाई का कार्ड दिखा के साहब जी बैठे थे अंदर। ये भाई फिर एयरपोर्ट्स वाला बंदा आ गया, लास्ट टाइम जाते वक्त भी मिला था ये। आधे रेट में 80% डिस्काउंट। नहीं यार बहुत पड़े हैं यार, ओरिजिनल पड़े 24,000 वाले यार दुकान पे हमारे पास। नहीं भाई सफर रह गया है 173 किलोमीटर का, मतलब 3 घंटे का, और हम अभी खाने के लिए रुक चुके हैं हरियाणा टूरिस्ट ढाबा, कुछ खाते हैं लंच करते हैं क्योंकि सुबह से चल रहे हैं खाली खाली पेट तो नहीं, नाश्ता हमने किया था, अब भूख लगी है, 2 बज गए। अभी खाना खा लेते हैं, खाना आ गया है फिर निकलते हैं जल्दी गुड़गांव के लिए, बहुत काफी टाइम हो चुका है। वही खाना पीना खा लिया है, अब निकलते हैं गुड़गांव के लिए अपनी गाड़ी यो खड़ी। चले बालको, चलो बालको, चलो चलो। नमस्ते अंकल बोल पहले, मेरे नमस्ते अंकल। नू बोली माने चाहिए लंबी गाड़ी लंबा लो, ओए सॉरी, नू बोली माने चाहिए लंबी गाड़ी लंबा छोरा, गाड़ी के डैशबोर्ड में जो रखे 100 लोडेड गोडा। एलवी से यादव बुला लो इसको भाई, मिल लो इससे एक बार, विनेश भाई मिल लो यार, मिल लो एलवी से, मैं कल मिल लूं। मैं आज कल ना नाराज चल रहा है मेरे से। हां क्या बात होगी, मैंने रिक्वेस्ट भेजी अपना घर इसने। भाई 65 किलोमीटर का सफर रह चुका है अपना, बस गाजियाबाद आ चुके हैं, दिल्ली में कुछ टाइम में एंटर करने वाले हैं। भाई यहाँ पर सागर का स्टॉप आ गया, सागर को बाय बोल देते हैं। भाई बहुत ही मजेदार जर्नी रही अपनी ट्रिप में, बहुत ही ज्यादा वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छा मिलेगा, प्यार देना भाई जितना हो सके। हाँ ठीक है, चुम्मी दे दो उसको एक। बाय 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 बाय, मिलते जल्दी ठीक है। ये दुर्गा बाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन है, और भाई सफर रह चुका है मात्र 25 किलोमीटर का, फाइनली गुड़गांव में एंटर हो चुके हैं। ये आ चुका है एम्बियंस मॉल। भाई 2 दिन का ट्रिप था, सैटरडे संडे, पहले तो हमारा सैटरडे का था, सैटरडे वापस आना था, फिर वो चेंज हुआ, सैटरडे संडे हो गया, फिर भाई सैटरडे संडे और आज मंडे, 3 दिन हो गए हैं। पहले गुड़गांव में आए थे एकदम, तो लगता है ना अपने घर आ जाते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब घर से बढ़िया कुछ नहीं भाई, घर से बढ़िया कुछ नहीं। अभी तुम घर भी बहुत दूर है हमारा, हमारा पहली बार है, 3 दिन लगातार शूट भी करा है, मतलब हाँ इतना लंबा व्लॉग हमने कभी शूट नहीं करा। पहुंच चुके हैं राजीव चौक, निकाल रहे भाई अपना सामान, बैग ढंग से निकाली, बाय मिलते जल्दी। तो भाई कार का सफर हो गया खत्म, पैदल का रास्ता चालू। कहाँ कार के मजे ले रहा था ये शख्स, अब ऑटो में धक्के खा रहा है। हाँ भाई आगे तो तू ही बैठा था। तो भाई ऋषिकेश से आने के बाद गुड़गांव पहुंच गए हैं, अजय भाई मिल गया। अजय भाई क्या हाल है? बढ़िया।
बढ़िया चलो अब हमें कोई फिलहाल ऐसे बोलने वाले मिला। तो फिर क्या ऑर्डर किया है? फ्राइड पनीर मोमोज एंड चिली पोटैटो, वही गरीबों वाला खाना। और भाई रिकमेंड करा था हमारे फूड ब्लॉगर भाई अजय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।